हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, रिजल्ट का सीजन चल रहा है और मार्केट में भी भारी उठा पटक चल रही है। चलिए मार्केट के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ कंपनी के नतीजे आए, तो वो नतीजे कैसे रहे, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। जी हाँ, इसके नतीजे आए हैं, तो नतीजे कैसे रही है आइए आपको दिखाते हैं झलक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट में आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो 2000 हम 2023 से ही कंपेयर करेंगे, और अगर हम इसकी सेल्स देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर में हल्की फुल्की कम होने को देखने को मिली है, बट जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो बढ़ के अच्छा खासा अब तक के सबसे ज्यादा क्वार्टरली वाइज में बढ़ के आया प्रॉफिट 6,264 करोड़ का, जो दोनों क्वार्टरली जून से और सितंबर से लेके सबसे ज्यादा दिसंबर में बढ़ के आया है, काफी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो 1928 करोड़ है, जो भी बढ़ के आया, और अगर आपको पता हो तो सितंबर में यही प्रॉफिट माइनस के आसपास था, और माइनस थोड़ा बहुत नहीं था, माइनस 6,740 करोड़ के आसपास था। वही इस बारी ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग दोबारा आ गई है, और वहीं इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें ओवरऑल देखने को मिल सकता है 522 करोड़। तो मुझे इसके नतीजे कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं। मार्केट को इसके नतीजे कैसे लगेंगे वो आपको कल दिख जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसके नतीजे अच्छे लग रहे हैं। वहीं अगर इसमें हम एक टेक्निकल व्यू लेना चाहें, तो मैंने आपके आगे टाटा स्टील का टेक्निकल चार्ट खोला, और इस चार्ट में मैं जो आपको एक चीज समझाना चाहूंगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ट का जो सबसे पहले रेजिस्टेंस था वो 90 रुपए के आसपास था, और 90 रुपीज से लेके ये अराउंड 13 रुपए के आसपास से इसी जोन में चल रहा था। वहीं जैसे इसने मंथली ब्रेकआउट करा अच्छी खासी कैंडल के साथ, कहीं ना कहीं एंगल्पिंग कैंडल है, काफी बढ़िया मजबूत कैंडल है, और इसको तोड़ने के बाद इसने हाई मारा अराउंड 150 का, और इसके हाई मारने के बाद अब इसने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई 150 से, जो इसको लेके गई अराउंड 83 की। और अगर आप वही याद करें तो इसमें वही उस टाइम जो मैंने आपको बताया था ना, जो प्रॉफिट इसका माइनस में आया था, उस नतीजे के बाद ये स्टॉक थोड़ा बहुत गिरा भी था। वहीं इसका प्रॉफिट अब अच्छा है, तो मुझे आने वाले समय में इसमें क्या करना चाहिए, जिसमें पैसा इसमें लगा रखा है वो इस स्टॉक में बना रहे, जो इसमें पैसा अभी लगाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका ये एक डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, और इस डे के टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, इसके लिए एक कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो अराउंड बना हुआ है 140 रुपए का लेवल। कल अगर इसने तोड़ा तो मेरी इसमें इजीली टारगेट 150 रुपए आपको देखने के मिल सकते हैं। वहीं अगर वीकली चार्ट में मैं आपको इसका एक तगड़ा सपोर्ट दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 20 दिन की मूविंग एवरेज को ये काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज का मतलब है इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 128 रुपए बन रहा है, लेकिन मैं आपको जो इसका एक्चुअल सपोर्ट बताऊंगा वो 120 रुपए बताऊंगा, जो 50 डे की मूविंग एवरेज आ रही है। तो इस स्टॉक को अगर किसी को एंट्री करनी है तो 140 रुपए के ऊपर ले सकता है, मैं एक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, और 140 रुपए से लेके उसको जो उसका टारगेट रखना चाहिए 150, और इसके ऊपर भी ये इजीली जा सकता है। वही अगर कोई 140 पे लेगा तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का लो होगा जो कल कैंडल खुलेगी, और जो इन्वेस्टर है उसको तो मैं ये बोलूंगा इसमें बने रहे। मुझे आने वाले समय में इस साल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टील सेक्टर कमाल कर सकता है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे हर चीजें सही हो रही है, यूएस बेस भी सही हो रही है, चाइना में भी आपको पता है धीरे धीरे चीजें सही होने लगी है, जिससे डिमांड कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर को लेकर बढ़ सकती है। तो ये थी मेरी टाटा स्टील को लेकर आए गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे। थैंक यू गाइस।